हाय प्रिवन, आइए समझते हैं कार्बाइल एमिन अभिक्रिया क्या होता है। तो इससे क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर इथाइल आइसोसाइनाइड यानी कार्बाइल एमिन प्राप्त होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अतः इस प्रतिक्रिया द्वारा इथाइल एमिन की भी पहचान की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर समीकरण के तौर पर इस तरह आप यहाँ पर दर्शा सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ प्लस लिख करके ये भी आपको एक साथ लिखते जाना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।